हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे हैं। मैं आई हूँ अपने गांव पे, मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए हैं और कई दिनों से मेरे यूट्यूब पे और फेसबुक पे कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है जैसी एक्टिविटी के लिए मैं थोड़ा एक्टिव हुई थी। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं और भावनात्मक रूप से एक अलग मजबूती के स्तर पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग आ जाएं। तो आज मुझे लगा कि कुछ कुछ चीज़ें शूट करते हैं इसी संदर्भ में। ये है, चूँकि आप सबके साइड भी शायद होता होगा, लेकिन पता नहीं, मैं बताऊंगी तो थोड़ा हो सकता है आप रिलेट कर पाएँ। जो मुखाग्नि देते हैं उनके लिए जो खाना वगैरह एक ही समय बनता है, सूर्यास्त से पहले खाया जाता है, तो और नाश्ते वगैरह के लिए जो भी सुबह थोड़ा बहुत बनता है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और ये भी पता होगा कि ये बाहर ही बनता है, मतलब घर के अंदर खाना जो भी बनता है नहीं बनता है। तो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं यहाँ पे वही है, बाहर है तो सफाई हमेशा करना पड़ता है, वो सारा कुछ करके मैं थोड़ा सा जो भी बनाना है बना रही हूँ। वैसे यहाँ पे जो ये सब बनता है ये चूल्हे पे बनता है, लेकिन इस समय मौसम और इतना ज़्यादा मतलब हवा चल रहा है कि चूल्हे पे मैं कोशिश की और नहीं बन पाई। बगल में देखिए ईंट का चूल्हा भी बनाए हुए हैं, तो एक दिन कोशिश काफ़ी की है, नहीं कामयाब हुए, तो फिर सब ने डिसाइड किया कि गैस पे बनाया जा सकता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ और ये सारी चीज़ें क्या ही बोलें, जो भी परिवार के सदस्य होते हैं जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो सच में भावनाएं बहुत अलग स्तर पे होती हैं। मैं चीज़ों को फील बहुत करती हूँ, इस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है, और फिर भी मैं खुद को मजबूत करने की या दिखाने की कोशिश रखती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा स्तर पे नहीं हो पाता है। चाचा जी का योगदान हम लोग की लाइफ में बहुत रहा है और लंबा समय गुजरा है उनके साथ, क्योंकि घर के मालिक वही रहे हैं, गार्जियन के रूप में रहे हैं, और बचपन से जब से ही थोड़ा जानने लायक हुए हैं, समझने लायक हुए हैं, तब से उन्हीं के साथ समय गुजरा हुआ है। कुछ समय पहले से जब बाहर हम लोग रहने लगे तो वो चीज़ें अलग हैं, फिर भी एक जो टाइम होता है लाइफ का वो ज़्यादा से ज़्यादा गुजरा हुआ है घर पे। शब्द नहीं है उनके लिए, और ऐसी कैजुअलिटी होने के बाद ज़िंदगी स्थिर सी हो जाती है, थम सी जाती है, रुक सी जाती है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में चलने लगती हैं, और कभी कभी भावनाएं अपने पिक पे होती हैं और लगता है कि किसी ऐसे स्थान पे जाएं जहाँ पे बिल्कुल कोई ना दिखे और जी भर के इंसान चिल्ला ले, रो ले, जो भी चीज़ें हैं अंदर से। लेकिन जीवन का जो सत्य है, उस जीवन का जो सत्य है वो यही है कि जो जन्म लिए हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, और जन्म के बाद बहुत सारे रिश्ते ऐसे बनते हैं जिसमें हम लाइफ को आसानी से जीते हुए आगे अपने लाइफ में बढ़ते जाते हैं, और बीच बीच में ऐसी सारी घटनाओं का सामना भी हमको करना पड़ता है। यही ज़िंदगी है और ऐसे ही जीना होता है। शायद जब समझ का लेवल थोड़ा बहुत डीप होता है और चीज़ों को बहुत गंभीरता से इंसान देखता है, लेता है, तो
ऐसी चीज़ों को लेने के बाद बहुत ऐसी चीज़ें जब दिख जाती हैं या हो जाती हैं तो इंसान बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ माइंड में निकलते हैं कि लाइफ क्या है या मृत्यु क्या है, या फिर जो इंसान हमारे साथ होता है अचानक से उसको ऐसा होता है, ऐसे मतलब बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिमाग में चलने लगते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता है। क्या ही कर सकते हैं, मैं बहुत मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है और जो कि मुझे छोड़िए ये सारी बातों को, लाइफ है, सब कुछ देखना पड़ता है और समय के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं सामने और उसके साथ इंसान को चलना पड़ता है, और हम सब भी हमारा पूरा परिवार कोशिश कर रहा है। वही है कि लाइफ के लिए कुछ चेहरे बहुत अहम होते हैं और उन्हीं अहम चेहरों से अगर बात मैं करूं तो मेरे चाचा जी की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, हम लोग के यहाँ एक है लगभग इधर साइड में कि एक घर है, घर के घर से कुछ दूर पाही है, पाही मतलब वहाँ पे मशीन है, खेती बाड़ी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे रहने के लिए भी घर बनाया गया है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इसीलिए होता है कि अगर लंबा परिवार है तो जो महिलाएं हैं वो अपना घर पे रहेंगी और जो पुरुष हैं वो पाही पे रहेंगे, या ऐसा है कि मतलब जो एक होता है कि ज़्यादा सदस्यों को एक साथ रहने से अच्छा है कि इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, यहाँ लगभग सबके घर के साथ ऐसा है। तो जो हमारे यहाँ की पाही है, जो मशीन है, जब से हम लोगों ने होश संभाला हुआ है तब से हमेशा चाचा जी को वहाँ देखा है। घर बनने से लेके सारी व्यवस्थाएं करने से लेके जो सारी चीज़ें हैं उसमें हमेशा उनको इन्वॉल्व होता देखा गया है। पाही पे जितने पेड़ पौधे घर पे जितने लगे हैं सारे उन्हीं के हाथ से लगे हैं, लगाए हैं, वो इतना व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलने वाले इंसान रहे हैं। तो वहाँ जाके बहुत तकलीफ होती है देख के सारी चीज़ें, सब कुछ यहीं है लेकिन चाचा जी नहीं है। क्या बोलें, कुछ कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मैंने आज वीडियो शूट करने की थोड़ी सी हिम्मत की क्योंकि हमेशा एक ही जोन में रहते रहते ना बहुत दिक्कत होने लगती है, तो मुझे लगा कि कुछ कुछ स्टार्ट करते हैं क्योंकि लाइफ है, सब कुछ चलता रहेगा, जीना पड़ेगा, जीना ही होता है, हर व्यक्ति जीता है। सब लोग के यहाँ बहुत कम एज के लोग चले जाते हैं जिनको नहीं जाना होता है, वो लोग भी जीते हैं, तो क्या ही किया जा सकता है। वीडियो में बने रहिए, आगे भी मिलते रहेंगे। दस्तूर है जीवन का, निभाना तो पड़ेगा ही, फेज़ है जीवन का, देखना तो पड़ेगा ही, लाइफ का यही पार्ट है जो बहुत ही पेनफुल होता है, पीड़ादायक होता है, और
सच में अगर आप बहुत डीपली सोचते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ही मुश्किल भरा समय होता है।